हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इंजीनियरिंग नोट सिंह। तो मैं आज आपको फुट स्टेप बियरिंग का कैसे असेंबल करते हैं, जॉइंग कैसे होता है, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिसेंबल पार्ट्स हैं हमारे फुट स्टेप बियरिंग का। ये हमारा मेन बॉडी हो गया। नाउ देखो, यहाँ पे आपका जो BOI दिया हुआ है, डेट इज़ बिल ऑफ मटेरियल। इट मीन्स बिल ऑफ आपका बॉडी कौन सा है, मीन्स पार्ट्स का नेम दिया हुआ है, पार्ट आपका किस मटेरियल से बना है वो दिया हुआ है, और उसकी क्वांटिटी कितना है वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा दिया दे सकता है, या फिर नहीं दिया है, पार्ट्स दिया है आपके पास। आप पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद जब ये असेंबल कर लोगे तो लास्ट में BOI दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल आप ज़रूर बना देना, इससे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मीन्स हमारा ये फर्स्ट है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट बॉडी। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है उसे पहले बनाना है, बाकी सब छोटे छोटे पार्ट उस पर असेंबल करते जाना है। यही तो होती है मेरी असेंबली, ठीक है। तो सेकंड क्या है, बुश। यहाँ देखो, ये सेकंड है, दैट इज़ बुश। थर्ड है हमारा डिस्क, ये हमारा डिस्क। फोर्थ है हमारा शाफ्ट, दैट इज़ शाफ्ट। एंड फिफ्थ इज पिन, दैट इज़ पिन, ओके। तो ये असेंबल पार्ट्स है हमारे फुट स्टेप बियरिंग का। इसे अब डिसेंबल पार्ट है हमारा फुट स्टेप बियरिंग का, इसे असेंबल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फुट स्टेप बियरिंग दिखता कैसे है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक असेंबल पिक दिखाता हूँ, जिससे आपको शायद समझ में आ जाए फुट स्टेप बियरिंग कैसा दिखता है और हम कैसे इसका असेंबल करेंगे, ठीक है। कोई भी पार्ट्स को असेंबल करने से पहले आपको पार्ट्स देखना चाहिए, कि आप देखे होंगे पार्ट्स तभी असेंबल कर पाओगे। अदरवाइज आप इसमें ये घुसा देंगे, इसमें ये घुसा देंगे, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पिक दिखाता हूँ कैसा होता है मेरा फुट स्टेप बियरिंग, ओके। तो ये है हमारा फुट स्टेप बियरिंग का असेंबल पार्ट्स। देखो, ये हमारा जो मेन दिख रहा है, दैट इज़ बॉडी, देन बुश, ये शाफ्ट, ये पिन, ठीक है, ये स्मॉल पार्ट जो कर्व बना हुआ है, डिस्क, और ये इसका है हमारा टॉप व्यू, दैट इज़ फ्रंट सेक्शनल व्यू एंड टॉप व्यू। ऐसे हमारा असेंबल होंगे पूरे पार्ट्स। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पेपर वर्किंग में कैसे असेंबल करना बताता हूँ। नाउ स्टार्ट करूँगा, फिर ड्राइंग करके बताना किससे कैसे लेकर हमें ये ड्रॉ करना है, ओके। तो सबसे पहले हम बॉडी लेंगे, हमारा यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में बॉडी। तो सबसे पहले मैंने ये बॉडी ड्रॉ किया, ठीक है। सेम जो जो डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं, उस पूरे डायमेंशन का मैंने बॉडी ड्रॉ किया। और एक और बात, अगर आपको जो ये डायमेंशन जो क्वेश्चन मेरे पास है, अगर आपको ये क्वेश्चन की ज़रूरत हो, इसमें आपको वीडियो में अगर क्लियर ना दिख रहा हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना, प्रिंटआउट निकाल लेना, फिर जो मैं समझा रहा हूँ आप उसके हिसाब से जो जो यहाँ डायमेंशन दिया, आप अपने पेपर में डायमेंशन देखना एंड देन ये वीडियो को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फुट स्टेप बियरिंग का बॉडी पार्ट, बॉडी हो गया। अब इस पे हमें जो यहाँ पिन का बना हुआ है, यहाँ पे हमें पिन लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारा पिन यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिन लिया और ये पिन मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, ठीक है। ये मैंने पिन लगा दिया फुट स्टेप बियरिंग में। नेक्स्ट है हमारा डिस्क, क्योंकि ये देखो डिस्क में भी यहाँ पे पिन के लिए बना हुआ है, पिन आधा इसमें रहेगा बॉडी में, आधा पिन घुसा होगा हमारा इसमें डिस्क में। तो मैं डिस्क लेता हूँ, ये देखो ये है हमारा डिस्क, ठीक है। आधा इसमें घुसेगा हमारा पिन और आधा बॉडी में, और ये कर्व बना हुआ है। मैं सब आपको बताऊंगा कैसे कर्व बनाना है। तो ये लो हमारा डिस्क, ओके, ये हमारा डिस्क सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा दैट इज सेकेंड पार्ट बुश। बुश को यहाँ ऊपर से डालना है, ठीक है। तो मैं क्या किया, बुश लिया, ओके, ये बुश, ये एक्चुअली नीचे से भी जॉइंट था तो कटिंग के टाइम ये हो नहीं पाया। तो टोटल जॉइंट है, यहाँ से एक प्लेट लगे हुए जॉइंट है, तो ये बुश को हम ऐसे अब ऊपर से ऐसे डालेंगे, ठीक है। जब आप बुश को डालोगे तो ये जो कर्व बना हुआ है और ये जो बुश का कर्व बना है, दोनों मैच कर जाएगा, ओके। इतना हो गया, अब क्या करना है, हमें शाफ्ट लेना है। ये मैंने शाफ्ट लिया, ठीक है। यहाँ शाफ्ट का डायमेंशन दिया 60,
और ये आर्क कटा हुआ है शाफ्ट में जितना हमारा ये आर्क डिस्क का कटा हुआ है। तो कुछ काटने जितनी डायरेक्ट हम यहाँ पे शाफ्ट लिए एंटर, शाफ्ट का हाइट को जो इतनी जितना चाहो आप उतना हाइट लेके आप शाफ्ट एंटर करते, बस डायमीटर आपका पता होना चाहिए। तो ये मैंने शाफ्ट लिया और ये ऊपर से यहाँ पे ऐसे लगा, ओके ये मैंने शाफ्ट सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, बियरिंग काम कैसे करता है, ये डिस्क पे लॉक है, ये बुश यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक नोज बना हुआ है, ये बुश पे लॉक है। अब शाफ्ट, सिर्फ शाफ्ट आपका घूमेगा, बाकी इसका कोई पार्ट्स नहीं घूमेंगे, ना डिस्क घूमेगा, ना आपका क्या बुश घूमेगा, ना बॉडी घूमेगा, सिर्फ आपका शाफ्ट घूमेगा इस फुल स्टेप बियरिंग पे। और यहाँ पे जो नट बोल्ट लगते हैं, अगर ज़मीन पे अगर दिया हो डाइम क्वेश्चन में तो बना देना, अदरवाइज ये वैसे फुल स्टॉक हमने किसी सरफेस पे इस दोनों नट से कसा एंड देन वर्टिकली हमारा शाफ्ट रोटेट हो रहा है, ओके। तो ये हमारा पेपर वर्क ड्राइंग था, कैसे पार्ट सेट करना है हम इसे ड्राइंग करके बताता हूँ, ओके। तो फर्स्ट हम बॉडी बनाएंगे, बॉडी का ये लेंथ दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखोगे बॉडी का ये टोटल लेंथ दिया हुआ है, वो हमें टॉप व्यू में दिख रहा है, डेट इज़ 240, ठीक है, ये हमारा 240, ठीक है। तो मैंने 240 का एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या बोला है, अब जो ये इसका हाइट है, मींस जो बॉडी का ये जो हाइट है, ये दिया हुआ है हमारा 18 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 18 लिया और एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, 18 का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपको सबसे मेन काम क्या करना है, सबसे मेन काम आपका है सेंटर लाइन बनाना। ये टोटल 240 है हमारा, ये लेंथ 240 है, अब सेंटर लाइन एक ड्रॉ करना है। तो सेंटर लाइन हम कितने का ड्रॉ करेंगे, हम सेंटर लाइन 240 का हाफ कितना हो जाएगा, 240 का हाफ डेट इज़ 120। तो 120 पे हमने यहाँ पे 120 मार्क किया, फॉर एग्जांपल ये आया, और यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन बना दिए, ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप हम अपन को क्या करना है, ओके ये हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका हमारा जो बॉडी पार्ट है ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं, ये थोड़ा टेपर है, मीन्स थोड़ा सा ऐसे बैंड है। तो ये कितना एंगल पे है, कितना मीन्स बैंडेड 2 mm। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ से जो ये लाइन, ये जो स्ट्रेट पाथ बनेगा, स्ट्रेट पाथ से 2 mm आपको पीछे जाना है, वहाँ पॉइंट लगा, पॉइंट मार्क करना है और वहाँ से आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है। सेम टू सेम यहाँ से 2 mm बैक इधर इधर की ओर आना है और इसे नीचे वाले से ज्वाइन करना है, ये ऑटोमेटिक हमारा देखो टेपर हो गया। अगला काम क्या करना है हमें यहाँ पे, अगला चीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया है 84 का ये जो है कितना है, 84 का हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, 84 डायमीटर मीन्स 84 में हमारा पूरा काम होगा। 84 इसका दिया हुआ है तो 84 हम मेज़र कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 84 यहाँ मेज़र किया, 84 का हाफ कितना हो जाएगा, 84 का हाफ दैट इज़ 42 मैंने इधर मार्क किया, 42 मैंने इधर मार्क किया, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप देखोगे क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन में यहाँ पे एक चैम्फर बना हुआ है, ये चैम्फर कैसे बनाना है, या साइड से 19 मीन्स यहाँ से भी जो एंड होगा 19 होगा, तो मैं यहाँ से ये 19 मार्क किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये 19 मार्क किया, ठीक है, अब ये हो गया। और यहाँ पे जो दिया है 2 mm मीन्स 2 mm का अपना यहाँ पे चैम्फर बना हुआ है, तो 2 mm का, तो हम यहाँ से स्केल से हमने 2 mm मार्क किया, फॉर एग्जांपल ये 2 mm मार्क किया, ठीक है, यहाँ भी हम 2 mm मार्क कर लिए, ये हो गया। अब देखो सेंटर लाइन से जो ये आपका जो चैम्फर का गैप आएगा, ये गौर से देखो क्वेश्चन में, ये सेंटर लाइन तक नहीं आया, उससे पहले ही रुक गया, ये देखो पहले रुक गया, तो उसका 24 बता रहा है, बोल रहा है कि 24 सेंटर लाइन से मीन 24 का हाफ हो जाएगा, 12 इधर और 12 इधर में हमारा चैम्फर एंड होता है। मैंने यहाँ से 12 यहाँ मार्क किया, यहाँ से 12 मैंने यहाँ मार्क किया, ठीक है, क्या करना है चैम्फर कंप्लीट करना है। ओके ये हमारा चैम्फर भी कंप्लीट हो गया। अब अगला काम क्या करना है,
ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है ये जो मैं बॉडी में देखो, हमने चैम्फर बना लिया बॉडी का, काम हो गया। ये देखो हमें अब ये बनाना है, ये जो पिन जहाँ पर डलेगा, ये गैप बनाना है, पिन डलेगा वहाँ का दिया हुआ है कि सेंटर से 16, सेंटर से 16 की 16 इधर लेफ्ट साइड आना है और डाया 5 और डीप 6 मींस जो डीप बनाना है। डाया कितना है होगा इसका, डाया क्वेश्चन में दिया है 5 डाया होगा और ये डीप कितना है 6 मींस सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन है हमारा, सेंटर लाइन से 16 इधर आना है लेफ्ट की ओर और डायामीटर 5 और 6 डीप बनाना है। तो मैंने सेंटर से यहाँ 16 मार्क किया, ओके सेंटर से मैंने यहाँ 16 मार्क किया, ठीक है। अब इसी 16 पे जो ये 16 जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, इसके पैरेलल, ठीक है। अब 5 डाया, तो 5 डाया मैंने ये मार्क कर लिया, ये मैंने 5 डाया मार्क कर लिया, ठीक है। अब 6 डीप बोला है तो सिंपली 6 आप नीचे जाइए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये टोटल हाइट कितना है, यहाँ से ये टोटल हाइट बियरिंग का कितना है, डेट इज ऊपर से जोड़ना दिला करो, 10 यहाँ से यहाँ तक 10 दिया है, डेन 6 10 प्लस 6 प्लस 45 प्लस 14 टोटल कितना हो जाएगा, डेट इज 75, ठीक है। तो यहाँ से 75 ऊपर की ओर मीन्स हमारा यहाँ से यहाँ तक का हाइट, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है हमारा 10, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में हमारा दिया है 10, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में दिया है 6, यहाँ से यहाँ तक दिया क्वेश्चन में हमारा दैट इज 45 और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में दिया है हमारा दैट इज 40, टोटल ऐड करो दैट इज 75। तो मैंने यहाँ से ये 75 मार्क किया, ठीक है, मार्क कर लिया 75। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे चैम्फर बना है ना, तो उसे रहने दो, यहाँ से ये जो एंड है यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर मीन्स ये यहाँ से ये जो है यहाँ तक का डायमीटर, क्वेश्चन कितना दिया है 115 दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 75 यहाँ से 115 डायमीटर लेंगे, 115 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 57.5, 57.5 आपको इधर लेना है, ठीक है। ये लिया मैंने 57.5 इधर और 57.5 हमने इधर मार्क किया, मार्क कर लिया। अब इसी सिंपली आपको नीचे ला के इसमें ज्वाइन करा है, इसके पैरेलल लाना है और ये 57.5 और ये 57.5 हमने ज्वाइन करा दिया, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट है जो इंटरनल दिया हुआ है मींस आपका जो यहाँ से ये जो यहाँ कटा है, कटिंग है वहाँ से नहीं, जो कटिंग छोड़ के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 84 दिया है, हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 42। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का 42 मार्क किया, यहाँ से यहाँ 42 मार्क किया, ठीक है, 42 मार्क किया और इसे मैंने नीचे लाइन को प्रोजेक्ट करा दिया, ठीक है, इसे हल्के में आप प्रोजेक्ट करा दिया, हल्के एकदम हल्के में, ठीक, लाइन मैंने हल्के में प्रोजेक्ट करा लिया। अब आप देखोगे यहाँ डायमीटर 84 दिखा रहा है, लेकिन ये तो सेम दिख रहा होगा आप क्वेश्चन में, तो यहाँ 88 कैसे हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ गैप बनना है, जी हाँ, जो ये देखो ध्यान से, ये जो हमारा गैप बनना है यहाँ से यहाँ तक का 84 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, अंदर की ओर बैंड बना है, दैट डिस्टेंस इज 88, लेकिन वो कहाँ है 45, जो 45 आपका दिख रहा है उतने दूर पे ही आपका 88 का गैप बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 88 मैंने ये मार्क किया 44, यहाँ से 44 हाफ हमने यहाँ मार्क किया, ठीक है, मार्क कर लिया। अब क्या करना है, 45 जितना दिया है 45 के रेंज में मींस यहाँ से यहाँ तक को ये लाइन को ज्वाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारा ये हमारा ग्रूव बना, डेट इज यहाँ से यहाँ तक का कितना है, कितने डिस्टेंस से बना है, डेट इज 45 पे हमारा बना हुआ है, ठीक है। नीचे कितना है,
40, ठीक है, इतना हो गया। इसका डायमीटर कितना बना हमारा, दैट इज 88 हो गया। अब क्या करना है, सिंपली आप इसे ऊपर की ओर ले जाओ और ऐसे ज्वाइन करो, ओके। अब एक और चीज, यहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ है, ये जो कटिंग यहाँ से ऐसे कट बना हुआ है, ये कट कैसा है, ये 6 mm ऊपर, मीन्स यहाँ से 6 mm ऊपर, 6 mm ऊपर की ओर जाओ, वहाँ से थिक 3 एंड वाइड 10, थिकनेस 3 वो दिया है, तो 3 थिकनेस आप इधर आओ और ये 10 यहाँ तक आओ, ये 10, हमने 10 यहाँ तक आया, ये पूरा 10 ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 10, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हमें इसमें नेक्स्ट पार्ट एंटर कराना है। अगला काम क्या है, हमें पिन लगाना है। पिन का हाइट 12 दिया हुआ है और ये डायमीटर 5 दिया है, यहाँ डायमीटर 5 तो है ही, हाइट 12 होना चाहिए, ये 6 से नीचे, मीन 6 अंदर रहेगा और 6 हमारा बाहर रहेगा। पिन का 6 टोटल 12 दिया हुआ, 12 दिया हुआ क्वेश्चन में, 12 दिया है पिन का लेंथ, तो 6 अंदर रहेगा पिन का, क्योंकि ये 6 ही तक ग्रुप बना हुआ है और 6 हमारा बाहर रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्क डालना है, तो डिस्क में भी सेम, डाया 5 डीप 6, मीन्स जो 6 हमारा पिन में बचा है, ये पूरा 6 का 6 हमारा डिस्क में घुस जाएगा। डिस्क का डायमीटर दिया हुआ है 60, तो हमने यहाँ से ये 30 यहाँ मार्क किया, यहाँ से 30 मैंने यहाँ मार्क किया, ठीक है, और हाइट डिस्क का दिया हुआ है 60, तो मैं ये 16 ऊपर की ओर गया, ये मैं 16 ऊपर की ओर गया, 16 ऊपर की ओर गया, ठीक है, और हमारा ये 16 हो गया ऊपर की ओर, ये हो गया हमारा 30 हो गया ग्रुप के अंदर, हमारा ये सेट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो ये कर्व बना हुआ है जो कि R150 का बनाया है, ये कैसे बनाना है कर्व, आइए मैं आपको क्या बताता हूँ। ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना जो कि प्रॉब्लम होता है, सिंपली 150 दिया है कंपास पे, 150 हमने मार्क किया। अब जो आपने 16 यहाँ से मार्क किया, यहाँ पे ऐसे रखें और सेंटर लाइन पे मार्क करें, सेंटर लाइन पे मार्क करें, अब जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ पे इसे रखें और इस सेंटर से इसे ऐसे मिला दें, मैच हो गया, ये आपका कर्व कंप्लीट हो गया, आर कितने का, R150 का, ठीक है, ये हमारा डिस्क भी लग गया। डिस्क लग गया, अब नेक्स्ट है हमारा स्नग, सॉरी ये डटेड बूश, हमें बूश लगाना है, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा बूश लगाना है। बूश कैसे लगाएं, देखो बूश में ऊपर से 10 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी ऊपर से 10 दिया हुआ है, बॉडी में भी फिर 6 दिया है, बॉडी में भी 6 दिया है, देन 45 दिया है, देन 45 यहाँ भी दिया हुआ है, देन 12 दिया है, लेकिन ये हमारा 14 है, मीन्स हमारा जो बुश आएगा 12 आएगा, मीन्स बुश हमारा यहीं तक आएगा, कहाँ तक आएगा बुश हमारा, ये टोटल 14 दिया है और बुश में हमारा यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है, मीन्स बुश हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। बुश हमारा यहाँ से यहीं तक आएगा बुश, अब बुश लगा दें, तो बुश में आप देखोगे वहाँ भी ग्रुप कटा हुआ है बुश में भी, दैट इज 80 का, तो जो 45 वाला बना हुआ है इतने दूर में आपका 80 बनेगा, तो यहाँ से 40 मैंने ये मार्क किया, यहाँ से 40 मैंने ये मार्क किया, अब 45 के रेंज में जैसे ये बना हुआ वैसे इसको भी जोड़ दें, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 45 का ये हमारा हो गया 80 का, अब जो ये जो अंदर इंटरनल अंदर वाला कितने का है 60, और अपना डिस्क कितना था 60, मीन्स डिस्क के बराबर तक हमारा 60 था, तो डिस्क जितना है वहाँ से हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा डिस्क लग रहा है, ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्नग लगा है 3 mm का, 3 mm स्नग वाइड 3 mm थिक, ये देखो हमारा भी यहाँ स्नग था 3 mm वाइड था, 10 ये था, सेम टू सेम इसमें आकर हमारा डिस्क का आधा पार्ट ऐसे इसमें अटक जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा हमारा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे इसमें हमारा ये डिस्क का
ये पार्ट अटक जाए। ठीक है, ऐसे इसमें अटकेगा, देन उसके बाद 12 हाइट दिया है, उसका 12 हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और डायमी उसका 95 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हाइट हमारा ऐसा सेम है, यहाँ से 12 ऊपर की ओर गए, 12 ऊपर की ओर गए, और यहाँ दो डायमीटर दिया है, एक 80 का दिया, एक 95 का दिया है। तो हम बना लें 80 का और 95 का डायमीटर। तो यहाँ यहीं से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 80 का 40 इधर और 40 इधर, ठीक है, 40-40 मार्क कर लिया। उसके बाद 95 दिए, 95 का हाफ कर लीजिए, दैट इज 47 मीन्स 47 इधर सेंटर से 47 इधर, और ये हाइट कितना दिया, 12 दिया है। तो ये 12 आओ यहाँ से, ये 12 आओ इसे ज्वाइन करो, ये तो 40 वाला था इसे ज्वाइन करो, ठीक है, और कितना है नीचे दिया है 12, तो आप यहाँ तक आओ, देन ये यहाँ तक आओ, ये ठीक है, ये आपका डिस्क बुश भी फिट हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, साफ्ट, साफ्ट 60 दिया है और डिस्क भी ये 60 है दिया हुआ है, तो यहाँ पे आकर साफ्ट हमारा डायरेक्ट फिट हो जाएगा। ठीक है, हमें साफ्ट फिट करना है, हम क्या करेंगे, साफ्ट लेंगे, ये हमारा हो गया साफ्ट, ठीक है, ये हमारा साफ्ट इसमें सेट हो गया। ऐसे हमारा ये फुट स्टेप बियरिंग का कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज फुट स्टेप बियर, फुट स्टेप बियरिंग का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और कुछ बचा हुआ है, और कुछ तो बचा नहीं है। अब क्या करना है, हमें ये टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है टॉप व्यू में, ये देखो यहाँ से नीचे की ओर प्रोजेक्ट की, यहाँ से नीचे की ओर प्रोजेक्ट की ये लाइन हो, ठीक है, टॉप व्यू नीचे ही बनाना। और ये टेपर है, तो यहाँ से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करो, यहाँ से नीचे की ओर, ऐसे बनेगा इसे, और थोड़ी दूर पे एक लाइन ऐसे क्रॉस करो, ठीक है, बाकी इस पार्ट को मिटा दो, आप मिटा दो, ये हो गया। अब देखो ये कितना हमारा है, 240 दिया है, ये ऑटोमेटिक 240 था, तो यहाँ से यहाँ तक 240 बन गया हमारा। ये हाइट जो है उसका, दैट इज़ 160 दिया हुआ है, हाइट दिया है 160 हाइट दिया है, तो इस लाइन से 160 तक नीचे जाओ और फिर बॉक्स को क्लोज कर दो। ठीक है, आइए मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है, 160 दिया है, 160 यहाँ से नीचे हम आए और इस बॉक्स को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना हमने प्रोजेक्ट किया, तो ऑटोमेटिक ये 240 बन गया, हमने हाइट 160 पे क्लोज कर दिया। अब जो ये डॉटेड बना है, देखो ये डॉटेड जो बना है ये हाफ तक ही डॉटेड है, ये देखो आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में, ये डॉटेड यहीं तक है ऐसे बना हुआ, फिर थोड़ी छूटा है सेंटर से, फिर ऐसे बना हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन जो है इसे प्रोजेक्ट कर देना है नीचे की ओर। सेंटर लाइन जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये आपका बीच में सेंटर लाइन ऐसा कुछ आएगा। सेंटर लाइन को हमेशा लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो हमारा स्क्वायर ये बना हुआ है, जो स्क्वायर बना है हाफ पे इधर हाफ पे इधर, ये कैसे बना है, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये देखो आप क्वेश्चन में देखोगे, आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपका जो ग्रूव बना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज़ 19, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल ये गैप कितना है, 24 था, और यहाँ से यहाँ तक का दिया है मीन्स 12, और ये दिया हुआ है 12, और इधर का भी दिया हुआ है 19, ठीक है 19 ऐसे दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से 19 मार्क किया, यहाँ से हमने 19 मार्क किया, ठीक है, ये हमारा हो गया। ऊपर से भी 19 मार्क करेंगे, ऊपर से भी 19 मार्क करेंगे, ऊपर से भी, इधर से भी 19, इधर से भी 19, ठीक है। क्या करना है आपको, ये लाइन क्रॉस करना है, ठीक है, डॉट लाइन में बनाना है, ये डार्क हो गया सॉरी इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब बात है कि ये लाइन को कहाँ तक यहाँ लाएं।
सेंटर लाइन से मैंने बताया 12 इधर है, 12 यहाँ तक है, तो सेंटर लाइन से 12 यहाँ से यहाँ तक आया। अब इसे आप यहाँ तक ले आए, ठीक है, और इसे सब डॉटेड में बनाना है ये सब, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया टॉप व्यू का, ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 38 ऊपर से और हर तरफ 30 स्क्वायर बना है, सॉरी 38 यहाँ से, 38 यहाँ से, समझो 38 यहाँ से, 38 यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक 38 मार्क किया, 38 मार्क करने के बाद हमने हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ 38 मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ 38 मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ 38 मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला काम क्या है, देखो जो इसका सेंटर है, ये नट जो आपको यहाँ नट बोल्ट जो लगा हुआ है, सेंटर यहाँ पे क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, मींस जो आपका जो नट जो यहाँ पे ऊपर से दिखा रहा है लगने के लिए, वो यहाँ से जो पेपर बना है वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ये बाहर वाले नहीं अंदर वाले से दिया हुआ है कि टेपर का ये प्रोजेक्शन है, आप ये देखो टेपर का प्रोजेक्शन अंदर वाला है, पेपर का पोजीशन अंदर वाला लाइन है, अंदर वाले लाइन से दिया हुआ है 30 हमारे, तो हमने अंदर वाले लाइन से 30 मार्क किया, यहाँ से 30 मार्क किया, अंदर वाले लाइन से 30 मार्क किया, यहाँ से 30 मार्क, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, तो मैंने सेंटर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब गौर से क्वेश्चन देखोगे, नट का ये लेंथ 22 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 16, तो 22 का हाफ 11 मैंने इधर मार्क किया, 11 मैंने इधर मार्क किया, हाइट कितना दिया हुआ है हाइट 16, तो 8 मैंने ऊपर की ओर 8 नीचे की ओर मार्क किया, और इसे आप ऐसे क्लोज कर लिया, सेम टू सेम 11 इधर 11 इधर 8 नीचे 8 ऊपर, ठीक है, आपने ऐसे सेम इधर 11, 11, 8, 8 मैंने मार्क किया। अब क्या करना है, आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ऐसे कर्व बना हुआ है, अगर आपके पास क्वेश्चन में डायमेंशन कर्व का दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो क्या करना है आपको, ये टोटल कितना है, कितना है, या फिर आप ऐसे कर लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जब यहाँ ये टोटल कितना था हमारा 11 था, सॉरी 22 था, 22 का हाफ कितना 11 है, 11 का हाफ कर लो डेट इज़ 5.5 पे मार्क करो, 5.5 पे मार्क करो, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 30 डिग्री, 5.5 पे रखा, 30 डिग्री पे मैंने ये एक कर्व लगा लिया, सेम टू सेम यहाँ मार्क करो, ऐसे कर्व लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है, कंपास ऐसे रखना है और इसे ज्वाइन कर देना, या फिर आप फ्री हैंड भी ऐसे इसे आप ये पूरे को ऐसे फ्री हैंड, ये जो यहाँ जो आया है इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो फ्री, ठीक है, तो आपका नट ये ऑटोमेटिक ऐसा बन जाएगा, आपका नट ऑटोमेटिक इस शेप का बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये सर्किल बीच में बना हुआ है, तो क्वेश्चन में देखो, एक तो जितना शाफ्ट लगा हुआ है उसका सर्किल बना हुआ है, शाफ्ट कितना 60 का है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, ये टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में 160 दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है ये 160, 38, ठीक है, तो 160 का हाफ कितना हो गया 80, 80 पे मैंने मार्क किया, शाफ्ट का डायमीटर कितना 60, तो मैंने 30 लिया इस पे मैंने 30 मार्क किया, और मैंने सर्किल कंप्लीट कर लिया, सेम टू सेम अब ये हो गया 30 का यहाँ से यहाँ। अब ये जो एंड पॉइंट है, ये जो आपने ये बनाया है और ये बनाया है, ये टोटल कितने डिस्टेंस पे बनाया है, यहाँ से यहाँ तक
ये आपका टोटल कितना है, डेट इज 115 क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 115, तो आपने 115 का हाफ देना है, डेट इज 57 पॉइंट कुछ करके आएगा, और आपको एक सर्किल कंप्लीट करना है। सर्किल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रूव, ये जो ग्रूव यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, जो मैंने ये बनाया था ना यहाँ पे, ये गैप जो बना था, ये जो ऐसे होना चाहिए, हमने इतना पार्ट काट दिया था और इसमें हमारा बुश का एंटर हो गया है, बुश का ग्रीन लाइन जो दिख रहा है, ये बुश लग गया है यहाँ पे, ऐसे आया है और ये बुश लग गया है। ये रेड वाला जो रेड लाइन रेड लाइन शो कर रहा है बॉडी है, ग्रीन लाइन बुश है, तो रेड लाइन ऐसे होना चाहिए, तो ये कट कर यहाँ पे बुश बना के बुश लगा दिया वहाँ पे, तो जो कट है 3 mm का कट दिया है, 3 थिक का, तो यहाँ से 3 इधर जाओ, ठीक है, और 2.5 ऊपर, 2.5 ऊपर लेकर ऐसे, ये हमारा हो गया टॉप व्यू, और ये हमारा हो गया फ्रंट, ठीक है। ऐसे में हमारा टोटल फुट स्टेप बियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका मैं एक और लेक्चर नीचे अपलोड कर दूंगा जो कि फास्ट फॉरवर्ड में है, लेकिन आपको काफ़ी मिनट मिलेगा उससे फुट स्टेप बियरिंग का बनाते हुए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।